परासिया बीएमओ का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरेआम अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए नर्सों से साठगांठ कर रहे हैं। बीएमओ के इस ऑडियो के आधार पर क्षेत्रीय विधायक ने उनकी शिकायत कलेक्टर से कर उन्हें हटाने की मांग की है। परासिया बीएमओ ऑडियो में नर्सों से कह रहे हैं वो उनके निजी क्लिनिक में आकर काम करें, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा, साथ ही उनको जहाँ ट्रांसफर चाहिए वहाँ मिल जाएगा। इसी ऑडियो को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि ने बीएमओ की शिकायत कलेक्टर से की है। विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कि पहले भी लाखों रुपए की गड़बड़ी के मामले में प्रमोद वाचक को सस्पेंड किया गया है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें पद से बर्खास्त करने की जगह परासिया का बीएमओ बनाकर भेज दिया। बीएमओ को जल्द से जल्द शासन ने नहीं हटाया तो सड़क पर उतर कर आंदोलन करने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। प्रमोद वाचक जब से बीएमओ बनकर यहाँ पर आए हैं, चूंकि उनको शासन ने सीधे तौर पर नियुक्ति दी है बीएमओ की, और निश्चित रूप से बीएमओ वाचक पहले भी यहाँ पर रहा, डॉक्टर के पद पे पदस्थ थे, उस समय भी इनकी कार्यप्रणाली में बहुत सारे प्रश्न थे, और जब से बीएमओ बने हैं, बीएमओ बनने के बाद पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था शमरा गई है, अनेक शिकायतें इनके बारे में मिल रही है। मैंने भी इनको कहा था कि इनको बीएमओ का चार्ज न दिया जाए, इनको बीएमओ में से हटाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर का काम कम करते हैं और इधर उधर की अव्यवस्था में ज़्यादा रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था को पूरी तरीके से चमरा गई है, और माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय सीएमओ को मैंने इनकी शिकायत करी, पत्र भी लिखा है कि इनको तत्काल रूप से बदला जाए, और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई न कलेक्टर महोदय से हुई है, न सीएमओ से हुई है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और यही स्थिति बनी रही तो मैं इसके खिलाफ में आंदोलन करूंगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।